उनका फेवरेट गाना कौन सा था जो हर वक्त गाते थे? हर गाना फेवरेट मेहदी हसन साहब का, हर गाना फेवरेट अहमद रुश्दी का, कोको कोरीना कोको कोरीना। सच्ची एक बात मैं बताऊं, ये तो बहनें हमारी और जो उमर भाई के साथ या हमसे इतना प्यार करती हैं, तो सोचे उमर शरीफ से तो वो इनका कौन सा खूनी रिश्ता। वो नजर हुसैन भाई बैठे हैं, वो उमर भाई से सीनियर है, हीरो हुआ करते थे थिएटर के। बात सुने, इन्होंने अपनी जिंदगी उस शख्स के नाम रख दी जब ये उनके साथ डायरेक्शन मिलके करते थे, सारा सिस्टम नजर भाई संभालते थे। इन्होंने अपनी एक्टिंग को पीछे कहीं छोड़ दिया, हालांकि बहुत हिट हुए थे, हुदूदाने मैदा बेइंतहा इनकी शायरी पसंद की गई थी। लेकिन ये है कि इतना प्यार कैसे, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता। बताए ना, पहले अपनी प्यार की दास्तान सुनाए हमें। उमर शरीफ को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब सिर्फ उमर शरीफ को उसके घर वाले जानते थे। वाह। और उमर शरीफ बहुत मेहनती थे, दिन में वो कहीं काम करता था और शाम को थिएटर करता, और बहुत खुददार था। उसने कभी किसी से नहीं कहा कि मेरे पास बस का किराया नहीं है या मैं भूखा हूँ। अगर उसे चाय की भी ऑफर करो तो 3 दफा कहना पड़ता था, फिर कहीं वो जाके आधा कप चाय पीता। बहुत खुददार था, मेरे साथ बड़ा वक्त गुजारा उसने, और था ऐसा ही। जब वो सुपरस्टार बन गया, और वो सुपरस्टार भी नहीं था, चांद था, वो भी 14वीं का चांद। आज अंधेरा है, आप देख रहे हैं यही स्टेज ऐसा था जहां दिल लगता था, आज जी नहीं चाह रहा यहाँ बैठने, क्योंकि उम्र नहीं है, आवाजें नहीं आ रही उसकी सदाएं नहीं गूंज रही। अगर वो स्टेज पे है तब भी बोलना होता था, बैक स्टेज पे है तो भी बोलना होता था, चलते ड्रामों में तब्दीलियां करता था। उसका टैलेंट था और उसका अदब था। अब क्या समझती है, 30-35 साल आपने एक आदमी के साथ काम करें, लड़ाई नहीं होगी? हाँ ना, हमारी लड़ाई भी होती थी, मगर मैं नजर भाई होता था, नजर भाई, कभी नजर नहीं कहा। मैंने उसका पहला खेल देखा था डोली, जो उस उम्र में 14-15-16 साल का होगा, उसने वो ड्रामा लिखा था, मैं भी देख रहा था वो ड्रामा, फरकान साहब भी देख रहे थे और हम रो रहे थे। अच्छा, इतना खूबसूरत लिखा था। अभी उमर शरीफ नहीं हुए थे। हाँ। फिर उसने दूसरा ड्रामा किया, किराए का बेटा, वो भी बड़ा कमाल ड्रामा था। बाद में किसी और नाम से कमर्शियल भी किया था उन्होंने, उसमें मैंने उनके बाप का रोल किया था, और हमारी दोस्ती हो गई थी बेतहाशा। वो मेरे साथ ही बैठा होता था, क्योंकि मुनाफिक उसे शुरू से ही पसंद नहीं थे। हाँ। और आखिर में भी, आखिर तक मुनाफिकों को पसंद नहीं करता था। एहतराम का आलम यह था कि जब उसने शकीला कुरैशी से शादी की थी, तो 1 घंटे तक मेरे साथ गाड़ी लेके मैं जाते रहे, हम लाहौर में था, मैं 1 घंटे बाद एक जुमला कहा था कि यार नजर भाई कुछ कहना नहीं, शकीला कुरैशी मेरा इंस्पिरेशन है। अरे अब उससे प्यार नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कोई ना खून था ना रिश्तेदार था, लेकिन लगता है जैसे मैं चला गया, जैसे मेरा सब कुछ छिन गया, किसी चीज में मजा नहीं आ रहा है, किसी चीज में मजा नहीं आ रहा। आप लोगों ने यहाँ प्रोग्राम करके हमारी पता नहीं कौन कौन सी यादें ताजा कर दी। बाज औकात ये भी होता था कि इंटरवल तक ड्रामा लिखा हुआ है, और ये जो बकरा किस्तों पे जो आज दुनिया में मशहूर है, ये इंटरवेल तक लिखा था जब शो शुरू हुआ है, और बाकी आधा ड्रामा इंटरवेल में लिखा था उमर शरीफ। क्या सीख देते थे इंडस्ट्री के हवाले से उनसे? तो आप देखिए, अगर मैं अभी अपनी पहली बात अगर आपको याद हो कि आपने उनसे सीखी थी काम के हवाले से, उनसे बहुत कुछ सीखा, उनसे ही सीखा है, उन्होंने ही सिखाया है कि स्टेज पे ये उमर शरीफ के पप्पू चुम्मी है जी, पप्पू चुम्मी इनका नाम रखा था उमर शरीफ ने। अच्छा, ये सिर्फ नाम से ही मशहूर। मैं आप लोगों से सबसे ये सवाल करने वाली थी कि प्यार से आप लोगों को क्या क्या कह के बुलाते थे, पहले हो जाए फिर आप अपनी बात कहिएगा। पेट नेम तो बताएं आपका क्या रखा हुआ था उन्होंने? अरे मुझे कभी कोई नाम लेते थे सलीम भाई के अलावा बुलाते नहीं थे। अच्छा, मुझे अजीब लगता था ये तो बड़े हैं, सलीम भाई। नहीं, मैं आपको क्या कह के बुलाते, मुझे कहते थे मेरा बबलू है, बबलू। और मैंने अब से स्टार्ट किया था कुछ, मतलब सालों से मैं उसको बोलती थी ये मेरा उम्मी है, उमर को मैं जी, ये बिल्कुल नहीं, मैं आपा की ये बात सही है, ये उम्मी कहती थी उनको। हाँ। और हम क्या कह के बुलाते थे?
मैं तो खैर मैं क्या कह के बुलाऊंगा, चुम्मी तो हाँ पप्पू चुम्मी पप्पू चुम्मी थे। और वैसे तो मेरा तो नाम लेते थे, लेकिन ये था कि कभी कभार प्यार से मोहब्बत से कह दिया हाँ भाई पेटू। तभी खाने से पहले खाना। असल में इसकी बीवी नहीं है, पकाने वाला कोई नहीं, तीन तीन दिन का खाना इकट्ठा खाते। अब वो हैप्पी न्यू ईयर था, तफरी कर रहे थे, तो वो पकाते हुए हम लोग खा भी रहे थे, तो कह रहे अभी क्या कर रहा है, तो मैंने भाई चेक भी नहीं करें, इसी बहाने तो खा लेंगे वरना नहीं मिलेगा।